थे। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में डर्टी वाटर के तहत अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु आबकारी टीम एवं थाना पिपराइज के संयुक्त प्रयास से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के सामान को बरामद किया गया है, जिसमें 260 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट, 12 पेटी बनी हुई पौवा, नकली ढक्कन, नकली QR कोड, एक बाइक आदि अन्य उपकरण भी बरामद करने के साथ ही मुख्य अभियुक्त तूफानी निषाद व पत्नी पुष्पा देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, पुलिस एवं आबकारी विभाग के संयुक्त प्रयास से जो पुलिस अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और आबकारी के वरिष्ठ अधिकारियों का अभियान चल रहा है नकली शराब अवैध शराब के विरुद्ध, उसमें जिला आबकारी अधिकारी श्री महेंद्र नाथ और ASP श्री मानस पारीख के नेतृत्व में कल थाना प्रभारी श्री नितिन रघुनाथ और एक्साइज इंस्पेक्टर श्री श्याम कुमार और उपेंद्र सिंह के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें कि दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 260 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट और 12 पेटी अन्य शराब, इसी तरह कुछ नकली उसके QR कोड, बाइक, खाली पौवे और होम्योपैथिक की एक दवा जिसमें कि 90% अल्कोहल था, उसको बरामद किया गया है। ये पूर्व से भी अपराधी रहे हैं, इसमें एक नीरज यादव नाम का व्यक्ति जो वांछित है वो उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है और इनके विरुद्ध अभी गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी भविष्य में। जो विस्तृत विवरण है बरामदगी का उस संबंध में जिलाधिकारी जिला आबकारी अधिकारी इस बारे में आपको